भाई 9 बजे वाले और बजा ले टाइम, ये देख ले, और वेट करना पड़ रहा भाई। ये वो महाशय, इन्होंने लेट करा, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, और अभी मेरा पक्का कच्चा है यार, जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है। तो अभी तुम्हारा भाई जस्ट बस रेडी होकर कहीं जा रहा है, ये मेरा गोप्रो, ये मैं, और बहुत टाइम के बाद ऐसा थोड़ा ना सज धस के अच्छा लगा नहा धो के, और यहाँ पर मेरे जाने का ना काफ़ी टाइम से प्लान था बट कुछ रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। तो और बातें हम चलते चलते करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी ईवल दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे चेन लूप लिए थे एक साथ ही। रीज़न क्या है भाई, बार बार पैसे नहीं होते मेरे पास भी, तो एक ही बार में मैं सारा स्टॉक मंगा देता हूँ और आगे तक काफ़ी देर तक चलता है। काफ़ी टाइम हुए, हेलमेट लगाना भी कितना हैवी लगता सर पे यार। बता दूँ आपको कि ये जो प्लान था ना मेरा काफ़ी टाइम से बना रखा था और मैं जा नहीं पा रहा था, कुछ रीज़न थे। फिर टाइम के बाद मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ ना, मतलब सर धस के तो मेरे खुद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रीज़न क्या है यार, जब मैं जॉब लगा था ना तो जॉब में मैंने अपने आप को ना जैसे मारता हूँ एक किस्म से, अब मेरा हर एक अपने दिल तसल्ली सब कुछ ख़त्म करनी पड़ती है एक जॉब करने के लिए। तो अभी तो यार ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने जैसे सोचा है कुछ अलग करने का, तो अभी मेरे पास ना कुछ प्लान चल रहा है माइंड में, बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ, और बहुत सारे भाइयों की जो ज़रूरत है ना वो पूरी करने के प्लानिंग में हूँ मैं। बट ये के साथ आप सबका चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, जो जल्दी आएगा तो रिवील करूँगा धीरे धीरे, ऐसा एकदम से नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने जब भी कुछ करने जा नया कुछ करने के सोचता हूँ ना उससे पहले रिवील कर देता हूँ करने से पहले, और मेरे साथ हमेशा हमेशा उल्टा ही होता है। मैं जो सोचता ना उसकी जगह कुछ और होने लग जाता है, फिर मेरे को लगता है यार पंकज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी रिवील करके, अब मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा और पब्लिक मेरे पे हंसेगी। तो इसलिए मतलब पब्लिक तो नहीं हंसती यार, अपने खास ही बंदे हंसते हैं, जो अपने यार दोस्त होते हैं सपोर्ट करने की जगह वो मेरे को और गिराने की प्लानिंग में रहते हैं। मैं चलता हूँ इस पर तेल डलवाना एविल में, और मेरे जो फ्रेंड है वो वेट कर रहे हैं, तो ये गाड़ी वाले को पहले यार थोड़ा ओवरटेक कर लूँ मैं, अभी एविल मॉर्निंग का टाइम तो मैं ज़्यादा रश भी नहीं कर सकता। रीज़न क्या, अभी कोल्ड स्टार्ट ढंग से हुई नहीं है, अभी ये सिर्फ 10,500 कुछ किलोमीटर चल गई है, तो इसमें एग्जॉस्ट भी लगवाना है और नहीं भी लगवाना, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। ये मेरे को थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल से फील करा रहा है जो कुशन है इसका, तो कुशनिंग भी करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपनी जो एविल है भाई इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई है, अभी साल भी नहीं हुआ बाइक को, और जो कंपनी वाले भाई वो मेरी बात सुन नहीं रहे, तो अब कुछ करना पड़ेगा भाई कंपनी का। रीज़न यही मतलब प्रॉब्लम यही है यार, कंपनी वाले ना जब उनसे ज़्यादा अच्छे से बिहेव करो तो वो सुनते नहीं है हमें, मतलब कुछ समझते नहीं है, तो एक चीज़ तो प्रॉब्लम हो ही रही मेरे को भी, तो वो सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी डिस्कस करके। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वाला जो रोड है ना बहुत पुराना रोड है, मेरे स्कूल टाइम का रोड है, मैं स्कूल यहीं से जाया करता था अपने डिस्कवर पे, और इससे रोड से मेरे को बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए आज का जो सफ़र है ना मैं अपने बचपन से लेकर जो अभी तक की जो लाइफ है ना एंड तो नहीं है भाई हमारा, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। मेरा और मेरा एक फ्रेंड विशाल था, हमारा रोज़ का रूटीन था, यहाँ से ठंड हो रखी थी, एक सिंगल स्वेटर में डिस्कवर में 100 की स्पीड में इस पर भागते हुए जाते थे 7:30 बजे के टाइम पे, 6:30 बजे के टाइम पे, और उस टाइम पे भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ ठंड नहीं लगती थी, आज के टाइम पे इतने मोटे मोटे कपड़े डालने के बावजूद भी मेरे को ठंड लग रही है। तो यार मैं फील करता हूँ कि उस टाइम पे यहाँ पर ठंड कैसे नहीं थी भाई, उस टाइम पे ठंड कैसे नहीं थी यहाँ पर, अब पता लगता भाई वो जवानी, सॉरी वो बचपन का जोश था जवानी तो अभी आई है, अब बुढ़ापा में जल्दी बुढ़ापे में क्या हाल होंगे हमारे, ये भी कुछ अलग ही है। तो यहीं कहीं मैंने अपने दोस्त को बोला था कि भाई रुकने के लिए, अब वो 55 में या 56 में मेरे कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे को अभी देखना पड़ेगा वो है कहाँ। रेडी होगी, तेरे भाई ने कपड़ा मार दिया तगड़े ढंग से, मतलब इसने मैंने नहीं। तो ये अपना एक भाई का हेलमेट है, एक वाले भाई है हमारे, अभी भी जस्ट हमें मिले हैं, तिलक भाई को थ्रू मिले थे हमें, और ये भाई हर टाइम हेलमेट लगा के रखेगा। तो ये उनकी बाइक है, एक ये जा रही है एक ये जा रही है, अभी एक और आने वाली है, तब तक हम इसी को निकालते पहले और निकलते यहाँ से। चल भाई तिलक, कहाँ बैठना है इसमें, उस पर भाई का सारा उसी में है, क्योंकि उसे पता है वहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मैंने मिरर इसलिए अपने सेट कर दिए ताकि आगे मेरे को दिक्कत ना आए। भाई सबसे पहले बुलेट में तेल डलवाना है, तो तेल अभी काफ़ी मैं तो डलवा के बैठ रखा हूँ, तो भाई ने डलवाना है, तो उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो भाई ये है मोहाली का एरिया, यहाँ पर देख रहे हो कितनी कैंट कैंट सी लोकेशन हो चुकी है, पहले ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लाईओवर वगैरह टाइप के तो बन गए हैं,
अच्छा लगता लोकेशन देख के, पर हमें जाना नीचे, यहाँ से हमारे दो तीन फ्रेंड और आने वाले हैं। पहले यहाँ पर सिंगल लेन हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था इधर, बट अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, मज़ा आता है इस रोड से आने जाने में। ट्रैफिक जैसे मिलता ही नहीं है, बहुत रियली टाइम में, इवनिंग टाइम पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है, बट डे टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता इधर। कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ न कहीं कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैं जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी बात। आगे बैठ रखे थे तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा मेरे को ना सच बताऊँ, एवरेज वेज तो मैं मैटर नहीं करता, जब मैं कहीं निकल गया ना एक बारी तो मैं मीटर इधर भी ये नहीं देखता कि क्या माइलेज दे रही है, कितने की चल रही है, बस मेरे को एंजॉय आना चाहिए चलाने में। ये देख रहे हो यहाँ मोहाली के राइडर बड़े डेंजरस है भाई, दिल्ली की गाड़ी ऊपर से मोहाली एक जैसे हाल। ओ भाई इसकी बाइक बंद हो गई भाई, पल्सर एक घंटा वेट करा इस बंदे ने यहाँ पर। भाई चला यार, सुनो हेलमेट डाले भाई, रुकते हुए चलाने कटे, धक्का मारना तो नहीं पड़ेगा अब। हाँ मैं कह रहा हूँ ये नजायज थ्रॉटल दे रहे यार भाई, बाइक बंद होगी, बंदे की 4 किलोमीटर धक्का मार के लाए फिर स्टार्ट हो रही है। अब इसी के पीछे पीछे रहना, रीजन क्या इसकी बाइक हो रही बंद पता नहीं क्यों। ये अपना राइडिंग ग्रुप आज का जिसमें हम सारे जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए, और जॉब छोड़ने के बाद एक सुकून सा मिल रहा है, लग रहा है कि भाई मेरे पर खुल गए हैं। तो बंदे भी थोड़ा एक्साइटेड है भाई। हरमन जॉब छोड़े कैसा लग रहा है? तिलक भाई आपका इंटरव्यू तो रह गया, जॉब छोड़े कैसा लग रहा है? नहीं नहीं ये उंगली तोड़ने सोनू भाई का एकदम जेन्युइन रिव्यू भाई, जॉब छोड़े कैसा लग रहा है? अरे हम कहा बताएं, हम इतने दुखी थे, आज हमको लग रहा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। मार रहा है ना सोनू भाई, धक्का बहुत मरवाया ना इसने। ओए निकाल ले भाई, इधर देख। ओ भाई ये क्या कर रखा इसने, वो बंदी होएगी तो उसमें हवा नहीं आएगी, कर स्टार्ट। अरे यार तू स्टार्ट कर, हवा खुल गई उसकी, वो रहने दे गर्म हो जाएगा दोबारा। चल यार चल, ना पता नहीं क्या पंप आ रखे हैं, अगर ऐसी हाल रहे ना आज मेरे को लगने लगा कि हम जहाँ जाने वाले वहाँ पहुँच पाएंगे भाई, कोई ठोक ठाक ना देना। अभी हाईवे पे निकलते हैं यार, सबसे पहले यार ट्रैफिक में उन्होंने रोक लिया है, नजायज ही आ गया मैं इसका, ये दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं भाई, कोई स्टार्ट ही नहीं होने दे रहे, एक पाँव से रोक रहा दूसरा एक्सीलेटर दे रहा है। ओ भाई अलग ही सीन है अपना तो। ये राइड पे थोड़ा निकल रखे, ये एंजॉय लेने निकल रखे, काफी टाइम के बाद जो ये जॉब पे बुरे हाल पे फंस रखे थे ना सारे के सारे, छूट गए ना भाई, हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे भाई घर जाए करना क्या है, रात को 8 बजे हम जॉब से घर जाते हैं, आराम आराम चलेंगे, रात को निकलेंगे घर में, कहा भाई थोड़ा एंजॉय लेना है तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से वापसी में एंजॉय ले लेंगे, बट जहाँ जा रहे पहले वहाँ चलते हैं। बाइक ना बार बार बंद कैसे हो रही, पहले ये बता, ओए तेरी ये बाइक बंद कैसे हो रही बार बार, सोनू क्या हो रहा भाई इसके साथ ये? हाँ क्या हो गया है, कैसे जोर मांग रहा है? ओ भाई यार वो ऐसी जोर मांगता है, चला तू चला तो सही, तू चला मेरे भाई तू चला उसी को ही, पर दिखा दे इस प्रॉब्लम को। अरे क्लच की वायर की प्रॉब्लम है यार इसकी सारी, क्या बोलूँ इसे मैं, पता अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता भी तो कर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जाके बाइक ठीक हुई, निकलते हैं अब। और इस बाइक ने ना 2 घंटे 3 घंटे खराब करा दिए हमारे, कसम से रोड पे, और अब जाके ठीक हुई है, उसमें एयर प्लग उसका खराब हो गया था, बंदे मेंटेन उसमें सर्विस के टाइम पे ध्यान नहीं देते प्लग प्लग पे, उसका प्लग पूरा जा रखा था और बाइक बार बार बंद हो रही थी। अब जाके ना हो भगवान प्लीज़, ये राइड में थोड़ा दिक्कतें रहती रहती मेरे को पहले से, मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था तो इनका वेट कर रहा था भाई, तो ये भी आगे अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा ना वाइब्रेशन से आ रही है मेरी बाइक से, ब्रेक पैड जो मैंने लगवाया ना उसकी वजह से ब्रेक में आ रही है, और जो चेन लूप मैंने ढंग से किया ना उसकी वजह से चेन में आ रही है, तो मेरे को फील हो रहा है बाइक चलाते हुए कि जैसे अजीब सी एक नॉइस आ रही है मेरी बाइक से, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई राइड के दौरान कोई भी अपनी बाइक से नॉइस आए, लग रहा कसम से। लुक आ रही तिलक तेरी, ले पकड़ से। तो भाई की बाइक अब मैं चला रहा हूँ, शिफ्ट हो गए हम राइडर यहाँ से। माचो लुक आ रही है, बैठो भाई। भाई वन टाइम क्लच ऑपरेट करना पड़ता उसका। ओ भाई 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 मजा आ रहा है इस पे कसम, इस पे सुकून है यार,
नेक्स्ट बाइक अपनी क्रूजर ही आएगी, कोई भी आएगी। हाय इसमें आ रहा स्वाद, अब पता लगा मेरे को कंफर्टेबल क्यों नहीं है। वो देख भाई किस तरह बैठ रहा, पूरा आगे जोर पड़ रहा बेचारे का। भाई साहब भाई साहब, मजा आ गया इसे ना। देखो लुक तो आर्मन की अच्छी है, पर यार लॉन्ग टूर में मेरे को मजा नहीं आता उस पर अब राइड करने में, इसमें ज्यादा फील आ रहा है। भाई से कभी रिव्यू पूछता मैं, भाई समझ नहीं आ रहा बैग कहाँ रखूँ क्या करूँ। भाई बैग को पीछे फेंक दे। नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी, मुझको सताए कर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। देखो कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है। कुछ मन कहीं कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे कह रहा हूँ मैं। ये जो राइड है मैं आपको बता देता हूँ, अब ये एक्चुअल में मैं कब प्लान की थी, ये है नैना देवी की मेरी छोटी सी एक ट्रिप है। बेसिकली मैं बता दूं, मैं 3-4 साल से सोच रहा था यहाँ जाने की, नैना देवी माता के दरबार में एक बार मत्था टेकाऊँ। मतलब सपना ही था मेरा ये भी यार, एक छोटा सा कि एक बार मैं जरूर जाऊँगा। मैंने सोचा जब आरस लूँगा तब मैं एक बार नैना देवी जाऊँगा, फिर मैंने सोचा जब यार मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा फिर मैं नैना देवी जाऊँगा। बहुत कुछ सोचा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी और मैं कभी नैना देवी नहीं आ पाया। आज के दिन भी नैना देवी आने की कोशिश में, भाई पीछे यार दोस्त की बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, भले वो हमारे फॉल्ट की वजह से था बट आ गई थी। ये प्लान तो था मेरा बहुत पहले से यहाँ आने का, बट आज जाके सफल हो पाया वो भी भाई इन दोस्तों की वजह से, ये तो ये भी नहीं हो पाता। और बस एक बार मैं दरबार में पहुँचा ना, मैं कभी नहीं गया भाई इस साइड। अब किधर जाना, इधर इधर ऊपर कहाँ, अच्छा ये पार्किंग है। अब मेरा सपना ना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। एक लो बंदर, कसम से अगर मैं थोड़ा सा आगे चला गया ना, उन्हें कूट देना, मेरे को थपेड़ देना है। आराम मजा सुकून मिल रहा है मेरे को इस रोड पे। ट्रैफिक है ना, ब्रेक मारने की जरूरत ना, क्लच दबाने की जरूरत, तीसरा गेट डाल दो चलते रहो। भाई हम ना यहाँ पर देव लोक के दर्शन करने आए हैं पर पेट पूजा पहले कर रहे हैं। ये कुछ बंदे हैं हमारे साथ जो हरकतें करते हैं। एक ये बंदा भाई पता नहीं कौन सी बाइक ले आया, सुबह सुबह वो कांड कर दिया। और दूसरा सुन रही है बेचारा खामा का हमारे साथ परेशान हो रहा। सोनू अलग ही और कह रहा कहाँ आ गया इनके साथ में, कहाँ आ गया। भाई छोड़ो यार, ना चाय का ऑर्डर देते, सबसे पहले चाय पीते हैं फिर देखते हैं, फिर निकलते आगे। अभी ना बहुत ऊपर जाना, बहुत आसमान बुलंदियाँ छूनी, उसके बाद देखते आगे क्या। माता का दरबार ऊपर और उसके बाद माता के दरबार में पहुंचेंगे, फिर वहाँ आएगा मजा। मैं यहाँ इस राइड हीरे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और अब मेरे को थोड़ा सा रह गया ऊपर चढ़ जाना, खड़ी चढ़ाई पूरी पहाड़ों की, फिर और मज़ा आएगा। तो आ गया भाई हम नैना देवी माता मंदिर के लिए। यहाँ से है नैना देवी माता मंदिर, 6 किलोमीटर भी और ऊपर जाना है। तो देख लो कितनी खड़ी चढ़ाई पे भाई। भाई कह रहे यहाँ से नहीं जा सकते, पहले 2 रूट होते थे ना, बट उन्होंने कह दिया कि यहाँ से नहीं जा सकते, आपको वहीं पीछे से जाना पड़ेगा। तो अब वापस आ रहे उसी रूट से जहाँ से भाई ने मेरे को नीचे बुलाया था, मैं अच्छा भला चला भी गया था उधर से। यहाँ से गेट स्टार्ट हो गया भाई माता नैना देवी का। बस यहाँ से जो रोड है ना यार, रोड का मतलब काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, रोड काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, मज़ा आ रहा है। रोड कंडीशन तो A1 है भाई इधर। भाई इधर खड़ी चढ़ाई इतनी है ना, आगे जो जा रही है ट्रैवलर इसकी भी हवा टाइट हो गई है, ये भी नहीं चढ़ पा रही इतनी खड़ी चढ़ाई है। फर्स्ट गियर डाल का भाई ने पूरा जोर पार का, तब जाके इतनी स्लो चढ़ रही है। अपना तो सेकंड गियर है, हल्के से बाइक चढ़ रही है बट उसकी उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा है। भाई सीरियसली कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना आज यहाँ पर। तिलक को माता को बता दो तिलक आ रहा है। यस और पंकज आ रहे हैं। नहीं आ रहा भाई, तू आ रहा है, स्पेशली तेरा है वैसे। हाँ ये भी है, अभी माता के तिलक तो वेट कराना है। ओ भाई हाँ भाई, अभी तो मेरे को वेट कराना है, सबसे बड़ी बात है। और देखा मैं तेरे को यहाँ पहुँचा दिया। नहीं अब अपने बाइक लगा दी, ट्रैफिक खत्म हो गया। अब यहाँ सारा दिन पूरा ले आओ यार, बाइक के ले आओ, बाइक के ले चले, बाइक चक ले। नहीं यार ऊपर तो क्या भाई, इधर इतना ट्रैफिक लगा हुआ था ना 5 मिनट पहले, जैसे बाइक लगाई वैसे ही ट्रैफिक गायब हो गया। अब पैदल का रास्ता कहाँ से भाई, ये बताओ। यहाँ से खराब नहीं, माता बोल रही है कि तुम्हें ऐसे आना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं फटाफट, देखते क्या रहता है रास्ते का सफर। चिल्ड्रन पार्क बोल रखा है, हम भी बच्चे ही हैं। उसके बाद छोड़ते हैं, यहाँ से ना पार्क सा बन रखा है, पौड़ियाँ बना रखी बहुत सारी। तो इन्हें कुछ चढ़ के फटाफट पहुँचते ऊपर, भाई मेरे टांगे जवाब देगी।
चढ़ी हुई। हाँ सारे बोलो जय माता दी। ऐसे भी लेके जाते क्या यहाँ से? भाई जियो छोड़ दिया है तो अभी ना यहाँ पर शूज उतार रहे अपने और यहीं पर रुकेंगे थोड़ी देर। दूसरी बात भाई यहाँ से नंगे पाँव की यात्रा शुरू, इसका देखता हूँ मैं हरमन क्या सीन रहेगा। तेरा क्या हाल है भाई? पाँव दर्द हो रहे, घोटे दर्द हो रहे भाई? इसे क्या दर्द नहीं होता पहले ये बताओ भाई। ये जब देखो ठुकता रहता है, छिलता रहता है, थोड़ा सा ठीक होएगा कहीं और से छिल जाएगा। इसके जो लाइफ का रोटी, इसका रोटी नहीं भाई, जब तक ये चोड़ना लगे से भूख नहीं लगती। जब तो चोड़ना तो भूख नहीं लगती, तेरा ये शरीर ही ऐसा है। तो ये अपना प्रसाद है भाई जो माता के दरवाजे चढ़ाना है, सबने ले लिया। ये पता नहीं क्यों मुंह से जाके बैठ रखा है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ है ना, मैंने अपने नौकर रखा हुआ है चश्मा लगाने के लिए बार बार, देख रहे हो? अब देख लो, मैंने बोला ना उसे ऊपर चढ़ा दे, उसे चढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसा 100 रुपये में ले रखा मैंने पूरे दिन की दिहाड़ी पे। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी। क्या सही गाता है यार ये, वेरी टैलेंटेड। इधर इतना भीड़ है ना, इतना रस है ना। तिलकिया कितना टाइम लगेगा तेरे हिसाब से? लग जाएगा आधा घंटा। आधा घंटा मेरे को तो ज्यादा ही लग रहा है भाई। देखो कितना ट्रैफिक रस है यहाँ पर, आज बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है, संडे है ना इसलिए। मेरा तो कल आने का प्लान था बट ये लेके बंदा ही नहीं आया और सारे आ गए। भाई सीरियसली कह रहे हैं, हम मंदिर में खड़े रखे हैं, सादा हाथ में लंबी लाइन है, बस वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। देखते कितने टाइम के लिए हमें अंदर घुसने देते हो, कितने टाइम के लिए हमारा आने। कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी, इतना क्राउड और घना आज यहाँ, मतलब आना ही काफी ज्यादा टफ था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा हूँ कहाँ गए हमारे साथ वाले। हरमन कहाँ है वो? अच्छा वहाँ कट रखे हैं, मैं आगे निकल गया था तो हमने चढ़ा दिया और यहाँ से निकल रहे हैं। भाई सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा रस मैंने उम्मीद नहीं किए थे। हाँ आज बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, संडे था इसलिए। और भाई इसका तो चेहरा उतर रखा आज, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा एक टाइम पे यार कि भाई आज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यहाँ जाना, बट फाइनली आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। देख रहे हो, ये देख लो यहाँ भागते हुए जा रहा हूँ, भाग भी किस तरह कछुए की चाल। माँ फिर टांग टांग अटकी ना, छिलेगा छोड़ टूटेगा अलग। इसका भाई मिला था इसे, तब से इसने हैबिट पकड़ ली, उससे छीन ली कैप्चर। कैसे कर रहे दोबारा कर ओए गिर ना जाइए ऊपर देख के, नीचे ना कूदी हो। तो भाई सीरियसली कर रहा, अब दिखा रहा लंगूर की हैबिट पकड़ ली इसने ना। चढ़ाई है भाई यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया कि चढ़ाई इतनी है। भाई भाई निकल जाओ भाई, अकेले में निकालना मुश्किल हो गया आज इसे। अंतल क्या कहा है वो बुलेट ये? तो भाई लोकेशन A1 थी, हमने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, और एक वीडियो बनाई जाए, उसके बाद देखते आगे काम। भाई मोड़ना कितना टफ हो गया बाइक को यार। ओ यार कर क्या रहा था भाई? भाई कसम सीरियसली कह रहा हूँ मैं, रात यही हो गई हमें पहाड़ों में ही, और ये जो रोड है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, बस निकल दूँ इससे यहाँ से फटाफट। ठंड भी लगने लग गई है, जैकेट वगैरह चढ़ा ली थी मैंने। लोकेशन A1 आ रही है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं ब्लॉग कैसा लगा होगा आपको, जरूर कमेंट करना। तो फटाफट हम नीचे पहुँच रहे हैं, और अब तुम्हारा भाई आज़ाद हो गया तो कोशिश करूँगा कि भाई दोनों चैनलों पर वर्क करूँ। अभी सिर्फ ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले बनाई थी, संडे का दिन है आज, और आज 6 तारीख है आज है, तो आज के दिन ये मैंने बनाई थी और पीछे रह गए। वो कह रहे जल्दी चल जल्दी चलो, मैं निकल गया वो रह गए। अब मेरे को रास्ता नहीं पता ना यहाँ का, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे रखा था लाइफ इज शॉर्ट, बट लाइफ इज शॉर्ट में मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिला। सच बताऊं मैंने एक टाइम पे चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं अपने बुढ़ापे में देख पाऊँ उस चीज़ को, झलक को, कि भाई क्या चीज़ मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की मोमेंट कैप्चर करके मैं यहाँ डालता हूँ। ये सब चीज़ मैं अपने बुढ़ापे के लिए बना रहा था, बट पता ही चला कब मैं अपनी राहों से अपने ड्रीम से भटक चुका था, और वहाँ पर मैं डालने लग गया वो चीज़ जो लोगों को पसंद आए, मेरे व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर बढ़े, मैं ऐसे रेस में भागने लग गया था।
बट जब मैंने सोचा ना दोबारा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा भाई लाइफ इज़ शॉर्ट, मैंने जो डाला डाला, अब मैं अपना नया जो प्रोजेक्ट काम करूंगा मतलब आगे वो ड्रीम हंटर ऑन व्हील पे। रीजन क्या है, मेरे को अपने ड्रीम कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए मैं नया नाम रखा ड्रीम हंटर ऑन व्हील। पहले मेरे पास टाइम कम था, शेड्यूल था, हर एक चीज को सोच सोच के बनाना पड़ता था, बट अब मेरा जो ड्रीम है मैं उन्हीं की तरफ काम करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ वीडियो नहीं बनानी इस चैनल पे। तो नेक्स्ट जो मेरा ट्रिप है वो है भाई एक महादेव का टेंपल है वहाँ का, तो वहाँ की वीडियो बनाएंगे। मैं अपने ड्रीम सारे कंप्लीट करने, जो जो मैंने सोच रखे हैं क्या मेरे को पसंद है सब मैं बनाऊंगा, सब करूँगा कंप्लीट। तब तक आज की वीडियो में यही एंड करते हैं, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और ये बंदा ब्रेक क्यों मार रहा भाई, होप करता है वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं सर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और एक लास्ट बात, आजकल ना जो चंडीगढ़ में पेड़ लगा रखे ना, अगर जो चंडीगढ़ से आते हैं वो रिलेट कर पाएगा इस बात से कि भाई इनसे ना जैसे इलायची की खुशबू नहीं होती है वैसे खुशबू आ रही पूरे चंडीगढ़ में, इनके जो फूल खिल गए ना इसकी वजह से, बट इनसे कीड़े भी बड़े गंदे निकलते हैं भाई। अगर वो कीड़ा आपकी बॉडी में कहीं चला गया ना, खुजली, और उसका जो ब्लड है येलो कलर का है, ये चीज़ मैंने नोट की इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करो। कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी बात तो बात।